सब्सक्राइब कीजिए बीएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वेलकम टू बीएस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों DRDO, ऑप्शन बी CRPF, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए DRDO। कौन सा सही है दोस्तों? DRDO। तो जो है DRDO संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि में मदद की जाएगी? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,500 रुपये, ऑप्शन सी 750 रुपये और ऑप्शन डी 500 रुपये। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 500 रुपये। तो केंद्र सरकार के जो है अनुसार महिलाओं की जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने जो है 500 रुपये की मदद की जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोगों को इसका PDF मिलेगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है दोस्तों एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों से राहत दी जाए? ऑप्शन ए है दोस्तों भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी ईरान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी
की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों की राहत दी जाए, तो ईरान देश को। किस देश को दोस्तों? ईरान देश को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड 19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड 19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसदी रह सकती है? ऑप्शन ए है दोस्तों 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 7%। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 4%। कितने फीसदी दोस्तों? तो 4%। एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास घटकर 4% रह सकती है। कितने प्यारे दोस्तों? तो 4%। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल GST राजस्व यानी ग्रॉस GST रिवेन्यू में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? ऑप्शन ए है दोस्तों 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 2%। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी 8%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 8%। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल GST राजस्व में 8% की कमी दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की दोस्तों? 8% की। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कोविड 19 की कितने अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 3। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कोविड 19 की 3 अर्ध उप प्रजातियाँ जो है भारत में प्रसारित हो रही हैं यानी फैल रही हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नवरत्न नालू पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नवरत्न नालू पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।